हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी जो बिल्कुल नई है और कुछ बूंद तेल में बनकर रेडी हो जाती है। तो आज से पहले ना आपने ऐसी रेसिपी देखी होगी ना ही खाई होगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है, वो भी बिना फ्राई करे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, इसे जरूर घर पर ट्राई करें। अगर वीडियो जरा से पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमीदास किचन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करना ना भूले। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमने छान कर रवा सेमोलिना जिसमें हम सूजी ऐड करेंगे। एक चम्मच ये हमने कसूरी मेथी ली है, इसको हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को भी हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहती है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 3 चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो इसको हम साफ हाथों से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे इस तरीके से मसलते हुए हमें मिक्स करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका आटा हमें तैयार करना है। तो आटे को हमें थोड़ा इस तरीके से गूंदी लगाते हुए ही तैयार करना है। तो जो हम रोटी का आटा तैयार करते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा हार्ड आटा तैयार करना है। तो देखिए ये आटा हमने तैयार कर लिया है। आटा हमारा कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। तो अब हम इसको ढक देंगे। तो इसे एक साइड रख देंगे और आटा तैयार करेंगे। तो ये हमने 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। ये हमने एक प्याज और 2 हरी मिर्च ली है कट करके, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। फ्रेश धनिया इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें अदरक का पेस्ट लेंगे। आप चाहे तो अदरक को इसमें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। आटे में भी ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं तो नमक ध्यान से ही डालना है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑरेगानो ऐड करेंगे। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। ये अब हमने थोड़े से कॉर्न लिए हैं जिसको हमने उबाल लिया है। ये हमने एक चीज की क्यूब ली है, वो हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। आप एक से भी ज्यादा क्यूब्स ले सकते हैं चीज के, जितना भी आप डालना चाहे। तो अब इसे हम अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब ये जो आटा है हमारा, इसको हम थोड़ा हाथों से सही कर लेंगे। तो आटा हमें थोड़ा हार्ड ही रखना है जिससे कि जो नाश्ता है हमारा वो अच्छे से क्रिस्पी बने। तो इसकी लोई हम तोड़ लेंगे। पूरी के साइज की हमें लोई तोड़ लेनी है, जितने हम पूरी के लिए लोई लेते हैं। अब एक लोई को लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो इसको हमने बेल लिया है। इसे हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके किनारों में हम पानी लगा देंगे हल्का हल्का सा। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। और इसे कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से करते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा देंगे इसमें से। तो बस ये रेडी है, ऐसे ही हमें सभी को रेडी करना है। अभी हमने एक अप्पम पैन लिया है, इसमें हम हल्का हल्का सा बिल्कुल कुछ बूंद ऑयल डाल देंगे। एक एक करके हम इसको इसमें रख देंगे। तो गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे, इसे ढक देंगे
दो मिनट इसे कुक होने देंगे। तो दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा तेल डाल देंगे। और इसे पलटना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये सिक रही है। तो इसमें बीच में ज्यादा आंच लगती है बर्तन में, और साइड में थोड़ा कम लगती है, इसलिए साइड के जो है उसमें उसको सेकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और बीच वाला जल्दी सिक जाता है। तो इसको हम दोबारा ढक देंगे और सिकने देंगे। तो दूसरी साइड भी हमने 2-3 मिनट कुक कर लिया है। तो इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में ही पलटते हुए सभी साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जो कचौड़ी हमारी सिकती जाएगी उसको हम हटा देंगे, इसमें से निकाल देंगे। तो बस ऐसे ही पलटते हुए सेकना है। और ये हम इसको अपम पैन बना रहे हैं। अगर आपके पास अपम पैन नहीं है तो फिर आप तवा या सिंपल जो पैन आता है वो भी ले सकते हैं। बस हल्का हल्का सा ऑयल लगा के उसे सेक सकते हैं। तो इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, आज बहुत ही हेल्दी कचौड़ी बना रहे हैं हम। तो देखिए ये सारी कचौड़ियाँ हमारे अच्छे से सिक चुकी है। देखा आपने कितने कम तेल में बहुत ही अच्छे से सिक कर रेडी हो गई है। तो अब इसको हम पैन से बाहर निकालेंगे। बहुत ही अच्छे से खस्ता हो गई है, क्रिस्पी हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्टी और हेल्दी कचौड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। देखा आपने कितने बढ़िया से कितने कम तेल में बनकर रेडी हुई है। तो आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया बनी है। देखिए कितनी बढ़िया है, अच्छी से क्रिस्पी हुई है। जो स्टफिंग है अंदर, ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इसमें हमने पनीर, चीज, कॉर्न डाला है, सबका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी ये टेस्टी और हेल्दी कचौड़ी को जरूर घर पर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा से पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।